मैम साहब आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 7:30 बज चुका है, मेरा रोज का काम आए 2:30 बजे से जागे थे। सुबह मेरा रोज का काम खत्म करके नहा करके पूजा करके नाश्ता बना रहे हैं। रात को इतना जल्दी क्यों जागते आप लोग मन में सोचे होंगे। थोड़ा तबीयत खराब हो गया दुर्गा पूजा का पहले ना, तो इसीलिए घर उर सफाई करने, कपड़ा उपड़ा धोने, पर्दा बेड कवर ये सब थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए एक ही साथ में वो घर एक घर करते करते पूजा सामने ही आ गया। इसीलिए कुछ पर्दा आज भी धोए, फिर कपड़ा लत्ता जो था आधा धोए आधा फिर धोएंगे नाश्ता वास्ता करके, इसीलिए थोड़ा जल्दी जाते हैं। टॉफी को घुमाएं, टॉफी को घुमाने के बाद उसको पट्टी सुसु करा के ला करके फिर नहला दिए टॉफी। कल गर्मी में पूरा हाँफ रहा था इसीलिए नहला दिए। जल्दी जल्दी नहीं नहलाते, थोड़ा बहुत ठंडा का मौसम, गर्मी अभी तो मौसम चेंज हो रहा ना, तो इसीलिए सोचे रोज़ रोज नहलाने से प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए थोड़ा 2-4 दिन बाद नहलाते हैं, 3-4 दिन के बाद नहलाए हैं। ये देखिए सोया था, नहाने के बाद सो गया था, अभी उठ के दूध पीरा, पी 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 वो डर गया, इतना डर रहा आजकल ना, आवाज़ मिलने से धड़ धड़ थोड़ा डर जा रहा। सब्जी कर लें, मिक्स वेज फूलगोभी शिमला मिर्चा गाजर ये सब देखिए मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं। आटा भी सान लिए हैं। सोमा क्या कर रहा है आप लोग को दिखा रहे हैं। सोमा घर झाड़ू पोछा करके कपड़ा प्रेस करे, जो रोज शॉर्ट ब्लॉग बनाती है ना, जितना मेरा कपड़ा सब निकलती है अपना कपड़ा ज़्यादा हो जाता, नहीं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अभी कहीं गए नहीं, कपड़ा कहाँ से आएगा। लेकिन असली बात रोज शॉर्ट ब्लॉग बनाती है तो कपड़ा हो ही जाता है, इसीलिए अपना कपड़ा मेरा कपड़ा और अंदर में है, ये सब बाहर में था ना सोमा, बाहर का कपड़ा नहीं लाई। ओ बीच में एक दिन मारी थी कब, अब प्रेस करी थी तो इसीलिए आज थोड़ा बहुत है, वो सब कर रही है। इनको भी तो जान मारते ही है ना। ऐसे मैं कुछ बोल, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम बोल रहे हैं लोग भी जान मारते ही ना, गरम में लोग जला देते। आज तक कोई कपड़ा जला नहीं है मेरे हाथ से। और छोटा से प्रेस करना सीख गया 8 क्लास से ना सोमा। 8 क्लास से रोटी भी सीख गई है प्रेस करना, क्योंकि हम पहले करते थे फिर नहीं कर पाए, काम इतना हो जाता है हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो अपना स्कूल ड्रेस सब करते करते थोड़ा बहुत मेरा करते करते सब सीख गए। आजकल घर में कोई प्रेस नहीं करता, वो ही करती। सबसे पहले पापा करते थे, पापा जब पापा कितना दिन और कर देंगे, हम अपने हाथ में संभाल लिए। मम्मी डरती थी, बोलती थी नहीं करने देंगे जल जाएगी, हमारे कौन कर दे, इतना धोबी को देंगे, इतना कपड़ा हम लोग का जितना होता है कितना पैसा लेगा, सोच हम घर में ही कर देंगे। नाश्ता बन के रेडी हो गया, सोमा का थाली है वाला। घर का हाल देखिए, सब कपड़ा फिर इस रूम का मम्मी निकाल दिए, ये चुपचाप बैठा हुआ इधर सब निकाल दिया गया। ये मेरा पुराना खिलौना है, कुछ है नहीं जान इसमें, तब भी रखे हुए हैं। इधर अभी साफ सफाई चल रहा है, पूरा धूल उड़ रहा है। ये तो मम्मी आ गई, फिर बाल्टी लेके कोना पोछा पोछी करेगी, हम चले बर्तन धोने, नहीं धोए हम भी थोड़ा इधर हेल्प कर दे रहे थे। नाश्ता वाला बर्तन धोएगी, हम जा रहे हैं पोछा पोछी करके दाल चढ़ा के बर्तन में फिर पकड़ दें। हाँ कल जैसे हाथ में फिर कटवा लीजिए कुछ, इसी रूम का कपड़ा लगता बाकी के लिए बाकी है, और थोड़ा बहुत रोज तो अपना निकलता, वो तो हमेशा। ये बैठा हुआ चुपचाप टफी, और दिखाते हैं आप लोग को, देखिए हम लोग का केला पेड़ कितना बड़ा पत्ता छोड़ा है, कितना बड़ा पत्ता निकला है, बहुत सारा पत्ता निकल चुका है जी, जब से आए हैं मासी घर से इसको लेके, पता नहीं कितना वो गिनना पड़ेगा, कितना पत्ता निकला अभी तक, 6 मम्मी बोल रही 6 गो, जब केला देगा आप लोग को दिखाएंगे उस टाइम। आम में फिर फूल आया है लेकिन रह नहीं रहा है, पता नहीं कब रहेगा, रहता तो खाते हैं। मेरा चौबा गाछ तो बड़ा नहीं हो रहा, आप लोग बताइए क्या बड़ा होने के लिए क्या डाले उसमें। गुड़हल बड़ा नहीं हो रहा है, सब बड़ा हो रहा है, उसको हम ही खुद खाद के ठीक कर देंगे। रुकिए मम्मी खोद ही थी उस दिन, कुछ असर नहीं हो रहा उसको, लेकिन देख रहे थोड़ा सा एक दो को शायद पत्ता मां निकला है, एक दो को पत्ता क्या, हाँ छोटा छोटा 2-3 को पत्ता निकला है उसमें भी,
ये भैया का गार्डन उधर से लेकर के इधर तक, छत में मम्मी का गार्डन। चले हम अपना काम करने। मम्मी को देखिए, हम घर पहुंच चुके हैं, ऐसा बात नहीं कि घर नहीं पहुंचे हैं। घर पहुंच चुके तब भी मम्मी उधर से साफ उफ की ना, इसीलिए बैठ बैठ के पोछा लगा रही है। हम तो बैठ के पोछा नहीं लगाते हैं, इसीलिए मम्मी मेरा कुछ पैर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम बैठ के पोछा नहीं लगा पाते। बैठ के पोछने से जितना साफ होता है, समझ रहे हैं आजकल सब सामान उठा है, मतलब अच्छा के लिए खड़े खड़े पोछे पोछा लगा दीजिए, लेकिन कोना कोना नहीं साफ होता है। हाथ में जितना साफ होता है, हम रेंट में रहते हैं, रेंट में रहते रहते सब मेरा ये चला गया, ताकत चला गया उसी में। सबका घर पोछ पोछ के आए हैं बैठ बैठ के, मेरा घर आने के टाइम हम पोछते नहीं। सोमा उठ के पोछती है, सोमा खड़ा होकर पोछती है, उसका एक्सीडेंट हम लोग का जब हो गया था, सोमा कांटू में थोड़ा प्रॉब्लम है, घुटना में, अच्छा सॉरी घुटना में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो खड़े करके पोछती है। हम पोछने से पोछा जब भी पोछते हैं, तबियत खराब है चाहे सोमा मौसी का गई कि कहीं, हम पोछा लगाते हैं तो बैठ, हम मतलब झुक जाते हैं ना, घुटना मेरा झुक जाता तो तुरंत उठ नहीं पाते, इसीलिए हम ज्यादा देर अगर पोछे भी ना, सब घर जैसे चार पांच रूम है, पूरा बरंदा है, सब कुछ पोछे तो मेरा पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और फूल भी जाता है, इसीलिए हम बैठ के नहीं पोछते हैं। पहले रेंट घर में हम भी बैठ के ही पोछते थे उस टाइम हम भी, लेकिन जब से अपना घर आए हैं बैठ के नहीं पोछते हैं, खड़े खड़े ही पोछा लगा देते हैं हम। बात तो सही है जो बैठ के कोना कोना पोछा जाता, लेकिन क्या करे, पैर में दिक्कत भी तो है ना। मम्मी को पोछने देना अच्छा नहीं लगता, मम्मी बोलते तो वहां से नाश्ता बना ना, हम घर पोछेंगे। हम बोले नहीं, हम ही घर पोछेंगे, मेरे को टाइम नहीं होता ना, बहुत कम अंगना झाड़ू करना, घर का सामने जो रोड है झाड़ू करना, सीढ़ी झाड़ू करना, सीढ़ी का नीचे का हिस्सा झाड़ू करना, बाथरूम झाड़ू धोना, फिर जाके नाश्ता बनाना, कपड़ा धोना, सब करना, फिर नहा धो के अपना ब्रश करना, सब कुछ अपना शरीर का भी तो सब कुछ करना है ना, उसका बाद जाके हम चले। हम देखते किचन में क्या काम है, ये दोनों इधर सोया हुआ है, हम बर्तन धो लिए हैं, मम्मी इधर दाल चढ़ा के गई थी, हम बस देख रहे थे, देखते हैं उबल गया कि नहीं। रूम जो साफ किए थे कर लिए, उसका बाद कपड़ा लत्ता नहीं धोए, खाना बनाने के लिए आगे सुबह धोए थे थोड़ा सा, इसीलिए अभी नहीं धोए, मूंग दाल बना दिए और आलू करेला फ्राई और टमाटर को जला करके चटनी बनाए हैं, और उड़द दाल को फ्राई करके रखे हैं, उसको दरदरा कूटेंगे प्याज हरा मिर्चा देके। आज का मेनू यही है, उधर ऊपर से नीचे से चावल चढ़ा दिए, आज सोमा बोले हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों रे सोमा, सोमा अभी घर झाड़ू कर रही है, नहाने जाएगी, पोछा झाड़ू करे सुबह हो गया, फिर नहाने का पहले वो झाड़ू करती है, इसलिए झाड़ू करे, क्यों नहीं खाएगी इधर बता, थोड़ा मोटा हो जा रही, शरीर मोटा जा रहा है इसीलिए खाना नहीं खाएगी, ये बात थोड़ी ना है, ऐसा बात नहीं। टॉफी मेरा नहा धो के दूध पी के सोया है, आजकल बहुत सोता है, पहले बिल्कुल नहीं सोता था, घर का सामने से कोई पार हो जाने से चिल्लाते रहता था, अभी भूखते रहता था, अभी कोई जा रहा आ रहा उसको कुछ फर्क नहीं। 19 को चूहा मारा है हम लोग का घर में, हम लोग रेंट का घर से आने का बाद हम लोग का इस घर में अपना घर में 19 का चूहा टॉफी हम बेटा उसको घेर करके मारे हैं। अभी एक तो चूहा आके कहीं से छोटा सा चूहा हम लोग को परेशानी कर दे रहा, पूरा घर कपड़ा लत्ता कर दे रहा, कभी कहा टॉफी मार नहीं पा रहा, टॉफी का सामने से भी चला जा रहा, देख रहा कुछ नहीं बोले, एक बार भूख देता बस, पहले फ्रिज का नीचे से कहाँ कहाँ से पूरा सूंघ करके भूख भूख के उसको पूरा कर, लेकिन क्या करें, हम अकेले नहीं मार पाते, बेटा बोला नहीं मारेंगे, बेटी बोला मेरा टाइम अच्छा नहीं चला, नहीं मारेंगे, क्यूट है चूहा बच्चा, क्यूट है, नहीं मरते हैं वो, घर मेरे को परेशानी नहीं करता, मेरा सामान लता नहीं करता तो नहीं मारते हैं, तबाह तबाह कर दे रहा, बोले यार बोले क्यूट है, लेकिन तबाह कर दे रहा है सामान सामान, हम हारमोनियम बजाते उसका अंदर जितना क्या क्या है उसको ढक के हम रखे, उसको कुतुर दिया सब, उसको मारेंगे जरूर। इतना काम करते करते थक गए ना, रात को डिनर बनाने का मन नहीं किया, सब्जी काटने के सब्जी काट बीम सारा कुंदूर फ्राई करेंगे सोचे थे, लेकिन बीम्स काट लिए थोड़ा सब करने मन नहीं, सोमा भी बोल रही मम्मी करने को मन नहीं, मैंने ठीक है मूढ़ी डिनर में मूढ़ी कर लिए, मूढ़ी मिक्सचर खीरा ये सब डिनर कर लिए, उसके बाद बर्तन पड़ा हुआ है बेसिन का अंदर, धोए भी नहीं, कल सुबह धोएंगे,
कल फिर जल्दी से जाएंगे, भगवान लोग को क्लीन करेंगे। आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, कल नए ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट बाय। सोमा कुछ बोलेगी? बोल बोल बोल। गुड नाइट बाय। सोने का टाइम आ गया, हम लेकिन सोएंगे नहीं अभी, मम्मी सो जाएगी। बाय। हम सो जाएंगे क्योंकि मेरा हाथ जो कल कीड़ा ने क्या काट दिया ना, बॉडी लहर रहा है। सोमा बोल रही थी कल डॉक्टर के पास चली, डॉक्टर के पास जाने से दवा देगा, सुई देगा, ये सब डरते हैं इसीलिए जानवर को। मेरे को दवा बिल्कुल खाने मन नहीं करता।